नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। राशिफल 8 और 9 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो 8 तारीख की रात्रि 7:35 तक सिंह राशि में और उसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा। अब जानते हैं कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं का भविष्य इन 2 दिनों में किस प्रकार से ग्रहों ने निर्धारित किया है। आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज का दिन आपके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी थकान, जुबान में थोड़ा सा कड़वापन लेकर आ रहा है। आपकी मन की इच्छा के अनुसार काम ना हो पाना आपको थोड़ा सा निराश करेगा। समस्याएं ईश्वर की भक्ति से और ठंडे दिमाग से और अपनी मेहनत से हल की जा सकती हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं हैं। यात्रा इत्यादि करते वक्त बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। प्रेमी प्रेमिका का संबंध आज बढ़िया रहेगा, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं। 8 तारीख की रात 8 बजे के बाद आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके हर काम में काफी बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके काम करने के तरीके में भी काफी बदलाव आ जाएगा। एक अच्छी नींद भी लेंगे आप, अच्छा भोजन भी करेंगे। घर हो या घर के बाहर हो, रिश्ते सुधरेंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारी वर्ग को बढ़िया लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर यह वक्त आपके साथ है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। अच्छी प्लानिंग से इन दोनों दिनों को बहुत बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। खुद पर विश्वास रखना है। आज के 2 दिनों में बढ़िया परिणाम पाने के लिए आपको दूसरों की बात सुननी होगी, दूसरों के अनुभव को मानना होगा, दूसरों की सलाह को मानना होगा, उनके साथ बातें डिस्कस करनी होंगी। वो कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, कोई नतीजा निकलेगा। इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, सामने वाले की रिस्पेक्ट और कदर भी करेंगे, तो फिर आपकी मुश्किलें देखते ही देखते आसान हो जाएंगी और या मैं कहूँ कि सफलता का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बेकार के कामों में धन खर्च नहीं करना है इन दोनों दिनों में। व्यापारी हो या आप नौकरी करते हो, पैसे लेते देते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, किसी को ज्यादा ना दे दें, किसी को कम ना दे दें या कम ले ना लें। सरकारी कामों को पूरा होने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो धैर्य ना खोएं। कोई भी बड़ा बदलाव इन दिनों में करने की कोशिश ना करें, सामान्य तरीके से जीवन को जिए। कोई बहुत बड़ा बदलाव कि मैं करोड़ों का घर ले लेता हूँ या लाखों की गाड़ी ले लेता हूँ, इस तरीके की चीजें ना करें। वाहन सही तरीके से चलाएं, बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। मूड खराब है तो वाहन को खराब तरीके से ना चलाएं। बदलते मौसम से खुद को बचा के रखें। बढ़िया भोजन वक्त पर करें। जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपना ख्याल रखते रहिए। टेंशन मत लीजिए। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए और आगे बढ़िए। अब जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ अगर भाग्य का सपोर्ट मिल जाए तो फिर बात बन जाती है। तो भाग्य का सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा ये जानिए आप। देखिए, भाग्य को चमकाने के लिए एक दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक होता है मेहनत और दूसरी चीज होती है ग्रह सितारों का आशीर्वाद। तो मेहनत तो आप कर लेते हैं, लेकिन ग्रह सितारों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा वो मैं अब बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और करिएगा। आपका एक सपना, आपके परिवार का एक सपना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी एक सपना कि आप तरक्की करें और आपसे आपका परिवार तरक्की करे, आप खुशियां लेकर आए और उन खुशियों से आपके घर में खुशियां आ जाए। घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं या घर में जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, घर में जितने भी लोग घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाले हैं, सबका एक ही सपना होता है कि सबके बीच में अच्छा तालमेल रहे, पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए और हम लोग खुश रहें और हमारे परिवार पर, हमारे परिवार के सदस्यों पर किसी की नजर ना लगे। यही चाहते हैं।
इसके लिए आप लोग रोज घर में प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते हैं और मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर के कार्यभार को संभालता है, लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो हैं हमारी सफलता को बहुत बड़ा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेहनत है। अब मेहनत सही दिशा में हो, मेहनत में भाग्य का सपोर्ट हो, मेहनत में ग्रह सितारे आपके साथ हो, तो आप बहुत जल्द तरक्की करते हैं। फर्क ये होता है कि जैसे आपने एक पौधा लगाया गमले में, आप सभी ने पौधा लगाया होगा या लगाते हुए देखा होगा, मिट्टी में एक पौधा लगाया और उसको लगाकर छोड़ दिया, उसको वक्त पर पानी नहीं दिया, उसकी मिट्टी को उल्टा पलटी नहीं करी, उस पर वक्त पर खाद नहीं डाली, तो वो पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, बहुत धीरे धीरे उसका विकास कम हो जाता है। और अगर आपने उस वक्त में पानी डाला, वक्त में उसकी मिट्टी को उल्टा पलटी करी, बढ़िया खाद डाली, धूप से बचाया, छांव से बचाया, अच्छे वातावरण में रखा, उसका ख्याल रखा, तो जल्दी 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 बड़ा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपको देखने में खूबसूरत लगता है और वो फल भी जल्दी देता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक पौधा लगाएं उसकी केयर ना करें और एक पौधा लगाएं उसकी केयर करें। तो इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो जो सिर्फ काम करते हैं और एक लोग होते हैं जो स्मार्ट काम करते हैं। तो ये 2021 आने वाला है, यहां पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अब आप खुद ही देखिए, पहले ट्रेन चलती थी, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, तो बढ़ोतरी हुई ना। उसी प्रकार से आपको भी अपनी सफलता की स्पीड को अगर बढ़ाना है तो सिर्फ मेहनत का सहारे से काम नहीं चलेगा। अब आपकी असफलता या आपके कम रिजल्ट मिलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कि आपको सही मौके ना मिलना, आपको सही वक्त पर सही जानकारी ना मिलना, आपके ग्रहों की स्थिति का बिगड़ा होना, ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे शनि की 5.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, बुरे दोष, बुरे योग, ग्रहों के कमजोर होना, इन सब का भी होना आपकी तरक्की में बाधित हो सकता है। परिवार में एक दूसरे के तालमेल ना बैठना, एक दूसरे से लड़ाई होना, बॉस का आपके प्रति रवैया अच्छा ना होना, व्यापार में आप सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, रिश्तों में एक दूसरे को समझ ना पाना, कम्युनिकेशन गैप होना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीजें आपको पीछे करती हैं। और हो सकता है कोई बाहरी शत्रु आप लोगों को लड़ा दे, आप लोगों के रिश्तों में दरार पैदा कर दे, कोई बाहरी शत्रु भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाओं में आपको बांध दे, जादू टोना कर दे, आपकी तरक्की को बांध दे, ऐसा भी हो सकता है। ग्रह जो है अगर वो कमजोर है तो आप जल्दी बुरी चीजों के करीब पहुंचेंगे और जल्दी बुरी चीजें आप पर असर करेंगी। कहते हैं ना कि अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है, तो ग्रह सितारे खराब है तो बीमारी या परेशानी जल्दी पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से हम कब तक परेशान होते रहेंगे? हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत में, आपके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन ये एक हाथ है, ये एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। अब इस हाथ के साथ ये हाथ भी मिल गया तो ताली बजेगी। ऐसे ही इस हाथ को अगर कोई दूसरा हाथ सपोर्ट कर दे तो फिर ये मजबूत हो जाता है। तो आपकी ये मेहनत है, इस मेहनत को मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ रत्न बता रहा हूं जो आपकी राशि को सूट करेंगे और ग्रहों की बुरी स्थितियों से, इंसान की बुरी नजरों से, और जो जो शत्रु आप आंखों से देख पाते हैं उनसे, और जिन शत्रुओं को आप आंखों से नहीं देख पाते हैं उनसे आपकी रक्षा करके
आपको अतिशीघ्र तरक्की दिलाएंगे, चाहे शनि की साढ़े साती हो, या काल सर्पदोष हो, या कोई अन्य राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ये सात मुखी रुद्राक्ष जो नेपाली है, ओरिजिनल है, चांदी में मढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको क्या चाहिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए, ये है चमत्कारिक रत्न लाजवर्त रत्न, ये भी चांदी में मढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, शानदार मिलेगा। उसके बाद जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सेहत भी बहुत कुछ होती है, और तरक्की भी बहुत कुछ होती है, और प्यार भी बहुत कुछ होता है। तो इन दोनों रत्नों ने, यानी लाजवर्त ने और सातमुखी रुद्राक्ष ने, आपको पैसा, धन, मान, सम्मान और सब कुछ दे दिया। तो ये आपकी जिंदगी में प्यार और शोहरत और कामयाबी को लेकर आएगा, बुलंदियों को लेकर आएगा। इसको बोलते हैं फिरोजा रत्न। तो ये तीन रत्न जो हैं आपके जीवन में क्रांति लिख सकते हैं, आपको सफलता दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी नाम राशि के अनुसार इन सब चीजों को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो आपकी नाम राशि के अनुसार आपका एक चमत्कारिक रत्न भी बनता है। वो चमत्कारिक रत्न क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो इस मुट्ठी में बंद है। वो जब आप इन तीनों चीजों को लेंगे तो इसके साथ में अपने आप आपको फ्री मिल जाएगा। ये चमत्कारिक रत्न चमत्कार करेगा। चमत्कार का मतलब है आपकी सफलता को और जल्दी दिला देगा। तो कुल मिलाकर एक हो गया सातमुखी रुद्राक्ष, नेपाली महालक्ष्मी का स्वरूप है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, सात देवियों का आशीर्वाद है। लाजवर्त रत्न शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाए, इनके अशुभ प्रभावों से, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो से मुक्ति दिलाए, और प्यार इश्क मोहब्बत के लिए फिरोजा, और जीवन में ऊंचाइयों पाने के लिए फिरोजा। और इसको तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे सेलिब्रिटी पहनकर आगे बढ़ते हैं, और ना जाने कितना नाम कमा लिया। आप भी जानते होंगे उन लोगों का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और ये है आपका चमत्कारिक रत्न आपकी नाम राशि के अनुसार। ये चार चीजें हो गई, और चार चीजों का मतलब हो गया चारों दिशाओं से सफलता, चारों दिशाओं से खुशखबरी, चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि। अब देखिए हर एक चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है। अगर आपको ये चारों चीजें चाहिए, तीन चीजें आपने देख ली, ये ओरिजिनल है, प्रमाणित है, प्राण प्रतिष्ठित है, इसकी गारंटी हमारी है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा F38। F38 यानी 3,800 रुपये की ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें हैं। पहनना कैसे है, विधि विधान आपको इसी के साथ मिल जाएगा। इसका जो रत्न, इन सब चीजों का जो रत्न मैंने आपको दिखाया और रुद्राक्ष आपको दिखाया, ये मीडियम साइज के होंगे, 5 से 6 कैरेट का रत्नों का वजन होगा F38 में, 3,800 में। रत्नों को का वेट अगर आपने बढ़ाना है तो आपको इसके लिए थोड़े से और पैसे ज्यादा देने होंगे, वो होंगे 5,100 रुपये। तो उसके लिए आपका कोड होगा F51। और जिन लोगों के पास सातमुखी रुद्राक्ष ऑलरेडी पहले से है और लाजवर्त रत्न भी पहले से है, उन लोगों को लिखना है F28। ठीक है जी, तो F28 लिख कर भेजेंगे तो उनको सिर्फ उनको सिर्फ फिरोजा रत्न और आपको आपका ये जो लकी स्टोन है वो दिया जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। F38 लिख कर भेजेंगे तो आपको सातमुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाली, लाजवर्त रत्न ओरिजिनल, प्राण प्रतिष्ठित चांदी में मढ़ा हुआ, और इसके साथ में फिरोजा रत्न, और इसके साथ में चमत्कारिक रत्न भी मिलेगा। वजन का इनका जो वजन होगा रत्नों का वो 5 से 6 कैरेट के बीच में होगा F38 लिखने पर, और F51 लिखकर भेजेंगे तो यही रत्न होंगे, यही सब चीजें होंगी, इनका वजन बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और वजन कितना हो जाएगा, 8 से 9 कैरेट के आसपास हो जाएगा, या 10 कैरेट भी हो सकता है। और जिनके पास पहले से सातमुखी रुद्राक्ष है और लाजवर्त रत्न है, वो F28 लिखकर भेजें, उनको ये दोनों रत्न प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी मेहनत को ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। तो चमत्कारिक रत्न जो है वो आपको और ज्यादा सपोर्ट प्राप्त कराएगा और आप जीवन में तरक्की शीघ्र पाएंगे।
आप में से जो लोग चाहते हैं वो लोग लें, जो लोग नहीं चाहते हैं वो ना लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेरा काम है सही सलाह देना। F-38, F-51 और F-28 लिखकर भेजें, आपको हम ये चीज़ें कोरियर के द्वारा अतिशीघ्र पहुँचाएंगे, विधि विधान के साथ, ओरिजिनल की गारंटी, शुद्ध चांदी में पड़ा हुआ और पहनने की विधि वगैरह भी। नमस्कार।